अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल नंबर 12.1 की स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 मिरर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, और उसने इमेज जो बनाई है वो प्रोड्यूस हुई है 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो गिवन है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज 10 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस विच इज 5 सेंटीमीटर। इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बनी है और कन्वेक्स मिरर है, इसलिए हम क्या यूज़ करें, नेगेटिव साइन यूज़ करें। फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, इसके लिए हम मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ 1/f = 1/p + 1/q। 1/p भी हमारे पास पी गिवन है 10, क्यू गिवन है 1 - 5। जब वैल्यूज पुट करेंगे प्लस माइनस माइनस 1/10 माइनस 1/5 एलसीएम जब हम इसका लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 10 ही आ जाएगा। 10 1 ज़ 10, 5 2 ज़ 10, 1 - 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 - 1। 1/f = -1/10 जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 12.2 विच इज़ एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है और उसकी जो डिस्टेंस है वो 10.5 सेंटीमीटर है कॉनकेव मिरर से, और जिसकी फोकल लेंथ है 16 सेंटीमीटर। वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, हमें फाइंड आउट करना है कि इमेज कहाँ लोकेटेड है, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज, और हाउ हाई इट इज़, यानी उसकी हाइट भी फाइंड आउट हमने करनी है। तो हमारे पास जो गिवन है स्टेटमेंट है वो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास कितना है 10.5 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है 16 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ इमेज और इमेज डिस्टेंस। अगेन हम मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे, 1/f = 1/p + 1/q। 1/q = 1/f, हमने क्यू फाइंड आउट करना है यानी इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो क्या हो रहा है, पी इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 1/q हमारे पास आ जाएगा 1/f - 1/p। फोकल लेंथ हमारे पास 16 सेंटीमीटर गिवन थी, जबकि हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 10.5 सेंटीमीटर गिवन है। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इनका एलसीएम लें, 1/16 - 1/10.5 का एलसीएम ले लें, हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू विच इज़ 30.5 सेंटीमीटर, हमारे पास आ जाएगी इमेज डिस्टेंस 30.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज हमारे पास मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला से गिवन है। मैग्नीफिकेशन हमारे पास होती है q/p विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, q/p × h₀। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ जो इमेज है वो आ जाएगी 87.26 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मेरिकल है मेरिकल नंबर 12.3। इसकी स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कॉनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट, यानी इमेज हाइट और जो ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट है वो सेम है, येट इन्वर्टेड इन इन्वर्टेड है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है विच इज़ 20 सेंटीमीटर, हमने फाइंड आउट करना है कि फोकल लेंथ क्या है। तो इसके लिए हमारे पास जो गिवन है वो है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है विच इज़ 20 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज हमारे पास इक्वल है, यानी एच आई और एच ओ हमारे पास इक्वल है। फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है लोगों ने, इसके लिए अगेन हम यूज़ करेंगे जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है हमारे पास, एच आई ओवर एच ओ किसके इक्वल है, क्यू ओवर पी के। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है, इसलिए हम एच ओ को भी एच आई के इक्वल पुट कर दें तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। पी डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी पी और क्यूब भी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, तो क्यूब भी हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपने अब वो फॉर्मूला पुट करना है मिरर फॉर्मूला का, अगेन कैलकुलेट करने के लिए फोकल लेंथ 1/f = 1/p + 1/q, क्योंकि पी और क्यू यहाँ पे इक्वेलेंट है, हम यहाँ पे पी और क्यू पी की जगह क्यूब भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वेलेंट है, लेकिन हम यहाँ पे 1/p + 1/q लिखेंगे। पी की भी वैल्यू 20 है और क्यू की भी वैल्यू 20 है, जब इनको सम करेंगे तो हमारे पास इनका सम आ जाएगा 2 और 2 और 20, कटिंग होगी 1/10 आ जाएगा हमारे पास फोकल लेंथ। जब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आ जाएगी।
ये हमारे पास था न्यूमेरिकल नंबर 12.3। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 12.4। 12.4 की स्टेटमेंट है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 5.6 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर इज द मिरर कनकेव और कन्वेक्स। हमने फाइंड आउट क्या करना है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। वो एक मिरर फार्मूला पुट करेंगे, हमारे पास गिवन है इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों गिवन है हमारे पास। हम यहाँ से फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे, या आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। 12.4 नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 12.5 विच इज़ एन ऑब्जेक्ट एन इमेज ऑफ अ स्टैचू अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड कन्वेक्स मिरर। नहीं, एक स्टैचू जिसकी इमेज है वो कितनी बन रही है कन्वेक्स मिरर से 11.5 सेंटीमीटर बन रही है विद द फोकल, इसका डिस्टेंस है विद द फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर, जबकि फोकल लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है 13.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू टू द मिरर, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम स्टैचू, हमने मिरर का डिस्टेंस फ्रॉम स्टैचू फाइंड आउट करना है। तो जो हमारे पास गिवन है चीज़ें वो हैं 12.5 न्यूमेरिकल नंबर गिवन है, हमारे पास इमेज डिस्टेंस गिवन है विच इज़ -11.5 सेंटीमीटर, जबकि फोकल लेंथ हमारे पास गिवन है -13.5 सेंटीमीटर। माइनस का साइन इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास कौन सा मिरर है, यहाँ पे कन्वेक्स मिरर यूज़ हो रहा है, जबकि इसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी हमने फाइंड आउट करना है, वन अगेन फार्मूला यूज़ करेंगे हम, मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे, वन ओवर एफ इज इक्वल टू वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू, वैल्यूज पुट करेंगे हमने क्योंकि पी फाइंड आउट करना है इसलिए प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे सबके साथ नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव में और फोकल लेंथ भी हमारे पास नेगेटिव में, पुट करेंगे वैल्यूज़ तो माइनस माइनस ही हमारे पास प्लस हो गया। इसको मैंने अरेंज करके लिख लिया है, माइनस की वैल्यू बाद में और प्लस की वैल्यू पहले लिखी। वैल्यू जब हम इसको पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 77.62 सेंटीमीटर, हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 12.6, इसकी स्टेटमेंट है एन इमेज इज प्रोड्यूस बाय कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8.5 सेंटीमीटर। एक इमेज प्रोड्यूस हो रही है जिसकी लेंथ बाय कनकेव मिरर, कनकेव मिरर से एक इमेज प्रोड्यूस हो रही है जबकि फोकल लेंथ है वो है 8.7 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल, ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है 13.2 सेंटीमीटर टॉल है और उसकी डिस्टेंस कितना है 19.3 सेंटीमीटर है फ्रॉम द मिरर, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितना है 19.3 सेंटीमीटर है फ्रॉम मिरर। हमने फाइंड आउट क्या करना है, एक तो सबसे पहले लोकेशन और हाइट फाइंड आउट करनी है इमेज की, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज और हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट सेकेंड में हमारे पास गिवन है फाइंड द ऑब्जेक्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, यानी हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है मिरर, जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे ट्वाइस फार, यानी हम उसको क्या कर देंगे ट्वाइस इज फार फ्रॉम द मिरर, जब उसको दुगनी हम उसको टू टाइम्स उसको दूर कर रखेंगे मिरर से, तो तब ये हमारे पास स्टेटमेंट है हमने फाइंड आउट करना है। तो गिवन हमने क्या क्या, हमें गिवन है फोकल लेंथ है विच इज़ 8.7 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 13.2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 19.3 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है और हाइट ऑफ इमेज एट 2p फाइंड आउट करनी है, यानी जब उसको ट्वाइस फार हम प्लेस करेंगे। कैलकुलेशंस में हम हमारे पास मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे, वन ओवर एफ इज इक्वल टू वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू, ये हम क्यू फाइंड आउट करने के लिए, इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस हो जाएगा वन ओवर पी, क्योंकि हमने वन ओवर क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी 167.91 ओवर 10.6 सेंटीमीटर। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास 15.84 सेंटीमीटर आ जाएगा इमेज डिस्टेंस। नेक्स्ट है हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ इमेज के लिए वही फॉर्मूला एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू क्यू ओवर पी, एच आई एच ओ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई बाई एच ओ, वैल्यूज पुट कर देंगे, क्यू की वैल्यू हमारे पास आई है 15.84 सेंटीमीटर, पी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू 19.3 जबकि एच ओ हमारे पास गिवन है 13.2। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करने को मल्टीप्लाई करेंगे तो एच आई हमारे पास, यानी हाइट ऑफ इमेज हमारे पास 10.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है एच आई एट 2p, यानी इसका बी पार्ट है कि 2p पे फाइंड आउट करनी है, एच ओ किसके को लग जाएगा क्यू ओवर 2p,
अगेन एच ओ डिवाइड हो रहा है उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू जब हम पुट करेंगे बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी की जगह 2p आ जाएगा क्योंकि अब डिस्टेंस ट्वाइस हो चुका हुआ है, टू टाइम्स हो चुका हुआ है। 2p 2 मल्टीप्लाई बाई 19.3, बाकी सारा एज इट इज़ होगा जैसे हमने पहले किया था। मल्टीप्लाई करके जब वैल्यू पुट करेंगे तो एच आई हमारे पास कितना आ जाएगा, 5.4 सेंटीमीटर ये हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी। ये न्यूमेरिकल्स थे आज के।